नमस्कार दोस्तों, लाइफ सेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरे और कैसे आप हजारों रुपए उस फॉर्म को भरकर कमाए, उसी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किस क्लास में वो फॉर्म भरना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म भरना है और कैसे आप उनसे हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी ऑनलाइन मनी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, अपना सीएस से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो डालते रहते हैं। तो आपकी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बात करें कि आपको इसको फॉर्म भरने के बाद आप पैसा इससे कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई शॉप हो, कोई भी दुकान हो, तो आप अपने शॉप के बाहर जो डिजिटल सेवा का पोर्टल अगर आपके पास हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी काम है। आप अपने शॉप के बाहर एक बैनर लगवा दीजिए, यहाँ पर स्कॉलरशिप भरे जाते हैं। ऐसा कुछ भी आप जो चाहे अपने भाषा में वहाँ पर बैनर लगाकर आप यहाँ पर इससे स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसी तरह से आप यहाँ पर से पैसा कमा सकते हैं। आप जितना चाहे आपको जितनी जितना चाहे आप उनसे ले सकते हैं और एक फॉर्म भरकर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इस लिंक पर आना है, www.scholarship.gov.in पर आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद देखिए इस तरह से ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी जिसकी भी आपको स्कॉलरशिप भरनी है उसको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइन दिखाई देगी। तो इससे आप ठीक तरह से पढ़ लेने के बाद यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भर देने के बाद आपको यहाँ पर पढ़ लेने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको जो भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसको उस स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, दो तरह के फॉर्म होते हैं। अगर 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो वो यहाँ पर मैट्रिक पर क्लिक करके आप दोनों क्लास का यहाँ पर स्कॉलरशिप भर सकते हो। अगर उसके आगे का कोई भी स्टूडेंट हो, पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आप जो भी 11 क्लास के आगे जितने भी स्टूडेंट है उनका फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टूडेंट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल दीजिए, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आपको सही सही डालना है ताकि आपका जो भी पासपोर्ट हो अगर आपको आप उसे भूल गए हो तो आप इस नंबर से उसे रिटर्न पा सकते हो। तो आपको नंबर एकदम क्लियरली नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद अगर ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना होता है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मतलब आप अगर आधार कार्ड या बैंक अकाउंट जिससे भी आप इसे रजिस्टर करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करना होगा। अगर आप आधार कार्ड करना चाहते हो तो अपना आधार नंबर डाल दीजिए और आपको वो आधार कार्ड पे जो नेम है वो नेम डाल दीजिए और बैंक अकाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल दीजिए बैंक का, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए और बैंक नेम यहाँ पर डाल दीजिए। ये पूरा भर देने के बाद आपको एक कैप्चा यहाँ पर दिखाई देगा, उसको यहाँ पर डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर का आपको यहाँ पर रजिस्टर ठीक तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि एक आपके जो मोबाइल है उस पर एक एप्लीकेशन आईडी भेज दी जाएंगी और उसके बाद आपको वहाँ पर एक पासपोर्ट वहाँ पर भेज दिया जाएगा। उसको आपको कॉपी कर लेना और कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लॉगिन टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन टू अप्लाई, जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए जो भी आपको आईडी मिली वो आईडी यहाँ पर डाल दी, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट भी जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ आगे की इन्फॉर्मेशन दे देते हम। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हो तो देखिए इस तरह से ये पोर्टल ओपन होगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर वेलकम टू जो भी नेम आपने डाला है, जिनकी भी भरी उनका नेम यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है जो भी आप भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होती है।
जो भी स्टूडेंट है 10 या 11 क्लास का, उसका जो 10 का मार्क सर्टिफिकेट, जो TC, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी होती है, और उसके बाद पूरी डिटेल भर दीजिए। और एक एक स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरने के बाद प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसकी प्रिंट अपने पास निकाल सकते हो। तो इसी तरह से आपको इस फॉर्म को भर देना है। मैं आगे की डिटेल आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्म है, और इसको सब बताने के लिए आपको इसको सबसे पहले जो अपना कॉपी है, हार्ड कॉपी, उसको यहाँ पर स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद अपलोड करना होता है, और उसके बाद उसकी साइज रिड्यूस करनी होती है। ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होती है, तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, और इसीलिए मैं आपको आगे की जानकारी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद पूरी जानकारी भर देनी एक एक करके। ये भी आपके जो एकदम सीधी जानकारी यहाँ पर आपको दी हुई रहती है, तो आप इस पर भर सकते। तो दोस्तों यही तीर, इसी तरह से आप इंडियन स्कॉलरशिप भारत में किसी भी स्टेट से हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेशनल स्कॉलरशिप है तो आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।